ये जी पराठा स्पेशलिस्ट अंकल है, ठीक है। इनकी स्पेशलिटी ये देखो, ये देखो स्पेशलिटी है चिकन पराठा, आलू पराठा, कीमा पराठा, चीज पराठा। लो जी वेलकम बैक हो गया, ऐसी जा रहे हैं हिमशी हिमशी यानी कि वॉक करते हुए, ऐसी के मौसम के मजे लें। हम शहबाज़ की फुप्पो के घर जा रहे हैं, बेसिकली उनका घर हमारे घर से 5 to 7 minutes की वॉक पर है और फिर वहाँ से इंशाल्लाह हम सभी इकट्ठे चलेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। अस्सलामु अलैकुम एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। वेलकम बैक टू हांस इन ओमान एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। जी तो इस वक्त हो चुके हैं रात के 12:08 और हम जा रहे हैं सहरी इनविटेशन पे। और किसने इनवाइट किया हमें मियां साहब बताइए? बारबेक्यू के लिए इनवाइट किया हमें चाची ने और हमारे एक क्या कहते हैं बट साहब। उन लोगों ने हमें इनवाइट किया है, मतलब मेरे मियाँ साहब की पूरी फैमिली इनवाइटेड है तो और वो वाली लाइट जो है वो आपको नज़र आ रहा होगा ख़राब हो चुकी है हमारे नेबर्स के घर के बाहर की, और मैंने फ्लैश ऑन किया हुआ है। इंशाल्लाह पहुँचते हैं फिर वहाँ से और फिर आपको सब कुछ दिखाते हैं और आपसे फिर बातें भी करते हैं। पहले तो बनाएंगे ना फिर खाएंगे इंशाल्लाह। प्यारा मौसम है माशाल्लाह, ओमान में भी इतनी अच्छी हवा चल रही है और अभी मेरी थोड़ी देर पहले घर बात हो रही थी, वो बता रहे थे कि बहुत अच्छी बारिशें हो रही हैं पाकिस्तान में भी। पाकिस्तान का जरा ठंडक ना ओमान की तरफ आ गई, साथ साथ ही है इसलिए जरा थोड़ा सा मौसम इधर भी ना ऐसे चक्कर गेड़ी गुड़ी ला गया। लो जी वेलकम बैक हो गया, ऐसे जा रहे हैं हिमशी हिमशी यानी कि वॉक करते हुए, ऐसे के जरा मौसम के मजे लें। हम शहबाज़ की फुप्पो के घर जा रहे हैं, बेसिकली उनका घर हमारे घर से 5 to 7 minutes की वॉक पर है और फिर वहाँ से इंशाल्लाह हम सभी इकट्ठे चलेंगे। आ रही हूँ जी, आ रही हूँ। ये बैक साइड है, बेसिकली हम लोग यहीं से आते जाते हैं। ये सब स्टेडियम्स हैं और ये सारे ओमानी जो हैं इस वक्त फुटबॉल खेल खेल के पागल हुए हुए हैं। काम का कह दो, काम नहीं करना, फुटबॉल सारा दिन खिला लो, काम का कौन रहना, काम नहीं करना भाई, काम में थक जाते हैं बेचारे, फुटबॉल खेलते नहीं थकते। जबकि यहाँ पे रमजान टाइमिंग्स भी इतनी कम होती है, 9 to 2 मतलब 9 to 2 तक। गाड़ियों में कुछ है, साइकिल वाला है ये, डरा दिया है आपने मुझे। नहीं, एक ही काफी है इस साइट पे माशाल्लाह, इतने इतने खूबसूरत घर हैं ना, मतलब यहाँ पे सारे घर ही हैं, मतलब बिल्डिंग्स नहीं हैं, बहुत प्यारे प्यारे घर हैं माशाल्लाह यहाँ पे और हम ऑलमोस्ट पहुँच चुके हैं। चलो ऐसे जाने हैं फिर ब्लॉग में बांध ताड़ना मिलने हैं थोड़ी देर बाद इंशाल्लाह। बारिश नहीं हो रही, खुली है ready to go। और मियाँ साहब को मेरे सख्त किस्म की नींद आ रही है और 1 बजने वाला है एंड वी आर अबाउट टू लीव इंशाल्लाह। इंशाल्लाह ज्यादा आ रही है तो फिर साइड पर लगा के मेरी बेगम इधर है, मैं कितने बहना थी मेरा मार खानी बात। अल्हम्दुलिल्लाह जी हम लोग पहुंच चुके हैं और ये जगह लास्ट टाइम भी मैंने आपको अपने व्लॉग में बताया था कि काफ़ी ज़्यादा हाइट पे है तो ठंडक ठंडक होती है यहाँ पे, मतलब माशाल्लाह ओमान में भी मौसम अभी तक तो ठंडा ठंडा ही है। आदि आ गई आपकी मामा, ये देखें जी ये बोर्ड है फॉर योर कन्वीनियंस एंड दोज अराउंड यू।
ऑन है। अटेंड टू योर माइनर्स, नो शीशा स्मोकिंग, नो बारबेक्यूइंग ऑन फ्लोर, डू नॉट पिक द प्लांट्स, नो बाइसिकल्स, नो व्हीकल्स, नो फुटबॉल, नो लिटरिंग एंड वायोलेशन इन इज पनिशेबल बाय लॉ, नो कमर्शियल वेंडिंग, डू नॉट टेम्पर विद इलेक्ट्रिसिटी एंड नो पेट्स। ये है जी सारा सामान जिसको अभी इंशाल्लाह हम निकालते हैं। क्या खुशबुएं आ रही हैं प्यारी प्यारी सी माशाल्लाह। सिलेंडर और चूल्हा घर से लेके आए थे क्योंकि प्लान था जी पराठे बनाने का, आलू वाले और चिकन चीज़ पराठाज। वो सामने एयरपोर्ट है और इतना क्लियर यहाँ से रनवे नज़र आता है आपको, बट इन पर्सन आपको प्लेन्स जो हैं वो टेक ऑफ करते हुए और लैंड करते हुए क्लियर नहीं नज़र आएंगे। सेल्फ पर आई डोंट थिंक सो इतना फोकस होगा, बट मन मज़ा आता है प्लेन्स को लैंड और टेक ऑफ करते हुए देखना। लेकिन गंद नहीं मचाना, फाइन है, बल्दिया पड़ जाएगी आपको यहाँ पे। ये जी पराठा स्पेशलिस्ट अंकल है, ठीक है, इनकी स्पेशलिटी ये देखो, ये देखो स्पेशलिटी है चिकन पराठा, आलू पराठा, कीमा पराठा, चीज पराठा, सादा पराठा, लस्सी पराठा, ठीक है, पराठा लस्सी, पराठा चाय। मामा जी को कॉन्टेक्ट करें, पराठों को ऑर्डर देना हो तो चाचू का मैं नंबर डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ठीक है, आप इनको फोन कर सकते हैं। ये चाचू हमारे ऑल इन वन है, ठीक है, एरा भाई गड्डियां दे डंट टुंट भी कटा लो भावे। एक्चुअली इधर भी मैं रखे ने बड़े ये देखो छोटा सा गिल्ड मेरा आया वे, ठीक है, मेहरबानी जी, ओके जी। ये है चिकन के पराठों का मटेरियल और यहाँ पर काफ़ी सारे पराठे जो हैं वो बन चुके थे और हम लोग इन्जॉय भी कर चुके थे और इसके अंदर चीज़ भी ऐड की थी। और ये है जी आलू के पराठों का मटेरियल जिसे आलू की पीठी कहते हैं और यहाँ पर गर्मा गर्म पराठा रेडी था। ये बन रहे जी, ये स्पेशलिस्ट चाचू के पराठे, चाचू पराठे यहाँ ले गए साढ़े ये देखें जी बच्चा पार्टी यहाँ पे टेंट भी इंजॉय कर रही है। ये गिगी और ये इनकी भांजियाँ, ये अपने मामू को कहती हैं गिगी। यहाँ पर जी हम घर वापस आने के लिए निकल चुके थे और रोज़ा जो है वो यहाँ पर बंद हो चुका था, 10 मिनट तकरीबन हो चुके थे रोज़ा बंद हुए हुए, तो 5:06 सुबह के हो चुके हैं और हम जो हैं अल्हम्दुलिल्लाह घर आ चुके हैं और मेरे मियाँ साहब को बहुत मुश्किल से जगाया हुआ है मैंने। ये ड्राइव कर रहे थे और मैं सारा रास्ता मतलब इनसे बातें करती हुई आई कि जागते रहे, मंजिल मकसूद करीब है। अब इंशाल्लाह हम पढ़ते हैं फजर की नमाज और सबको जुमा मुबारक क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह जुमा स्टार्ट हो चुका है और 9th रोज़ा है माशाल्लाह। आज से मिलेंगे इंशाल्लाह अज़ीज़ अब सुबह।